भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते, फिर भी पार्टी उनका ख्याल रखती है और उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाता। रविशंकर प्रसाद शुक्रवार को माइंड माइंड सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है और हम इसका सम्मान करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, बावजूद इसके हमें जनता का आशीर्वाद मिला और जनता ने हमारा साथ दिया। देश के 15 राज्यों में हमारी सरकार है, 15 राज्यों में हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और हम लोग देश की सत्ता भी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या हमारी सरकार ने अब तक किसी भी मुस्लिम को परेशान किया है? क्या हमने किसी मुसलमान से उसकी नौकरी छीनी है? उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, लेकिन क्या हमारी सरकार उन्हें उचित सुविधा नहीं दे रही है? अपने बयान को सही साबित करने के लिए रविशंकर प्रसाद ने पद्मश्री सम्मानित अनवर उल हक का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अनवर पश्चिम बंगाल के चाय बगान मजदूर हैं और उन्होंने जनता की भलाई के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए सरकार ने उनके काम की सराहना की। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अनवर को फोन किया और कहा कि हम आपके अच्छे काम के लिए आपको सम्मानित करना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने नहीं पूछा कि उनका धर्म क्या है और वो हमें वोट देते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि पहले बहुत गलत तरीके से सम्मान दिए जाते रहे हैं, लेकिन अब हमारी सरकार ने इस चलन को बदला है। We'll be right back.